stranger. हर हर महादेव गाइस, इट्स बीन मोर देन 33 डेज 15 जनवरी के बाद ना हमने ना हमारी एक्सयूवी को राइड किया है, ना हमारी डोमिनार 400 को राइड किया है। ये इतने दिनों से ऐसे की ऐसी खड़ी हैं, तो चलिए आज इन दोनों को निकालते हैं। बाकी सब तो ठीक है, ये माउंट किसने लगा लिया? ऐसा लग रहा है कि पीछे से किसी ने ज़रूर चलाई है ये। होपफुली पेट्रोल हो बाइक में, क्योंकि मैक्सिमम लोग जब भी इसको कोई राइड करता है ना, पेट्रोल खाली करके दे देते हैं बस। ये आदत सिर्फ लोगों में ही नहीं है, मुझ में भी है। एक्चुअली जब मैं बाहर जा रहा था ना, तो उस टाइम पे मैंने एक्सयूवी जब जिस बंदे को हैंडओवर करी थी, उस टाइम पे भी इसमें पेट्रोल जो था वो खाली था, बेचारा ने भरवा के दिया हुआ है। एक एक महीना जब बाइक आपकी एक ही जगह पे खड़ी रहेगी, चाहे बाइक हो कार हो, तो इट इज़ वेरी कॉमन कि इनके जो टायर प्रेशर है वो कम हो जाएंगे। फ्रंट वाले में तो लगभग ठीक है, बट रियर वाला जो है इसमें तो है ही नहीं ना। लकली वी गॉट दिस MI का पोर्टेबल कंप्रेसर, जिससे कि हमको ज़्यादा कुछ दिक्कत आती नहीं है हवा भरने में। मुझे तो लग रहा है इसमें हवा है ही नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत तो होगी। ओके, 10 PSI है और 32 चाहिए हमको, तो इसको ऐसे ही यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इससे पहले वाला जो मेरे पास था ना, वो बहुत कम टाइम कंज्यूम करता था, बट वो 3500 का था, ये 2600 रुपीज़ का है। चलो जी, हो गया। कोको के लिए ये वाली साउंड ना थोड़ी सी अलग है, तो ही इज़ लाइक कन्फ्यूज़ कि ये क्या है भाई साहब, क्या हो गया, क्या आ गया यहाँ पे। अब देखो गाइस, इसने ना 10 से लेके 32 PSI तक आने में ना 1.5 मिनट का टाइम ले लिया हुआ है, इतना ज़्यादा टाइम ये कंज्यूम करता है। बट ठीक है ना, मतलब वो पंप लेके फिच करके लगे रहने से तो बेटर ही है ना, काम निकाल देता है हमारा। मेन ये काम आता है जब हम लोग सोलो राइड कर रहे होते हैं, उस टाइम पे तो भाई साहब ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो जाता है। लेट्स स्टार्ट आवर राइड, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव। ओहो, मैं तो ऐसे ही बदनाम करी जा रहा हूँ किसी को। ये देखो, इसमें तो टैंक फुल है, लगभग फुल नहीं है, मतलब हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है। सर्विस रिमाइंडर गाइस, सर्विस रिमाइंडर। ये सर्विस रिमाइंडर है नहीं, इसके पीछे वजह है, वो आपको थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। निकलें फिर, हो जाए। पिछले एक महीने में मैंने या तो एक्सपल्स 200 चलाया, या हमारा पल्सर 220 चलाया, या हमारा यामा R15 चलाया है, मतलब वो बात नहीं रही मैन। अब मज़ा नहीं आता डोमिनार की बिना। उसके पीछे रीज़न पता क्या है? क्योंकि मेरी बाजुओं को ना, मेरी बॉडी को वाइब्रेशन की आदत होगी हुई है। मैंने कई बार बताया कि डोमिनार 400 में वाइब्रेशन का इश्यूज़ हैं, और आपको उसकी आदत पड़ जाती है टाइम टू टाइम। आपको क्या थी वो आदत पड़ जाती है आपको, आपकी बॉडी को वाइब्रेशन की। कोई जगह खड़ोने दी यार, दुख दुख वाले भैया, दुख 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 दुख। बट बुलेट इज बुलेट, बुलेट अपना है, मतलब वो अपनी फील्ड का, अपने सेगमेंट। बुलेट का कोई सेगमेंट नहीं है, बुलेट का कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये वन एंड ओनली है। लिंक रोड्स पे क्या ही राइड करना, डोमिनार 400 के इंजन ऑयल वगैरह जो है वो थोड़े से जाम हो गए होंगे आई गेस, क्योंकि हिला ही नहीं है कुछ ना। तो हाईवे पे जाके थोड़े से इसकी पंख जो है वो खोलते हैं, थोड़ा उड़ाते हैं इसको। ये हमने टच कर दिया नेशनल हाईवे, ये आ गए हम लोग भाई साहब, अब तो इसको उड़ाएंगे। बट उससे पहले मैं आपको सर्विस रिमाइंडर वाला इशू बता देता हूँ। एक्चुअली सर्विस जो इसकी है, जिसने पुराने वाले ब्लॉग से उस पर मैंने एक दो बार मेंशन किया हुआ है, सर्विस इसकी हमने 8500 पे करवा दी हुई थी, 8500 किलोमीटर पे, कुछ इशूज़ से, मतलब बाइक में कुछ इशूज़ आ रहे थे, तो हमने जल्दी सर्विस करवा ली, तो वो रीसेट उस टाइम पे होता नहीं। ये 10,000 पे सर्विस रिमाइंडर आना स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि डोमिनार 400 हमारी जो है वो 10,000 किलोमीटर क्रॉस कर गई हुई है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा, कल डोमिनार 400 हमारी नगीनी का हैप्पी बर्थडे है। डोमिनार का हैप्पी बर्थडे है, दैट मीन्स कि एक साल कंप्लीट हो गया हुआ है। और जो लोग स्टार्टिंग से हैं, उन्होंने देखा होगा हमने एक टेकिंग डिलीवरी ऑफ डोमिनार 400 का ब्लॉग निकाला था, जिसमें हमने बर्न आउट मारा था। वो क्यों मारा था, वो वजह मैंने मेंशन करी हुई है 3 से 4 बार। बट यार, 10,000 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ एक साल में, ये तो बेस्ती वाली बात है ना। रीज़न है उसके पीछे, रीज़न ये है,
एक्सयूवी थी, एक्सपल्स 200 था, पल्सर 220 दो थे, इलेक्ट्रिक स्कूटी थी और एक और स्कूटी थी जो कि ज़्यादातर फादर साहब ही संभालते थे। तो इसको चलाने का जो टाइम है ना वो बहुत कम मिला। एक्सयूवी हमने दो साल में 45,000 प्लस किलोमीटर चलाई हुई है, पल्सर 220 हमने एक 80,000 पे चलाया हुआ है, दूसरा वाला पल्सर 220 जो है वो 45,000 पे चलाया हुआ, वो 2020 में लिया था, 2020 नवंबर में लिया था हमने। डोमिनार लिया तो था बट इससे राइड मैंने बहुत कम करी है और लॉन्ग राइड्स डोमिनार हालांकि लिया मैंने ये लॉन्ग राइड्स के लिए ही था बट लॉन्ग राइड्स करी ही नहीं है, मतलब टाइम ही नहीं मिलता था, जॉब्स एंड ऑल, फैमिली एंड ऑल, काफ़ी सारी चीज़ें थी। बट अब आहिस्ता आहिस्ता हमने मैक्सिमम जो हमारी चीज़ें हैं वो सब हमने निकाल दी हुई हैं, हर एक चीज़ से जितनी भी माया थी ना फालतू वाली वो हर एक चीज़ हमने छोड़ दी हुई है। एक्सपल्स 200 हम लोग छोड़ आए हैं, एक्सयूवी जो है हम लोग बहुत कम चलाते हैं, पल्सर 220 हमने एक सेल आउट कर दिया हुआ, दूसरा वाला पल्सर 220 जो है वो फ्रेंड के पास पड़ा हुआ वो भी ऑलमोस्ट आप लगा लो कि सोल्ड आउट ही है। अरे मैं ही गलत काट रहा हूँ, कहाँ से जा रहा हूँ यार, हो जाता है यार कभी कभी, इंसान गलतियां कर देता है, इंसान गलतियों का पुतला है, मैं भी इंसान ही हूँ, मनुख। और एक्सयूवी की जितनी भी राइड्स रहती है ना वो सब हम लोग दिखाते नहीं है, कभी कभार हल्की फुल्की कोई स्टोरी चढ़ा देता हूँ मैं, अदरवाइज नहीं दिखाता, नहीं तो मैं पत्नी टॉप, मैक्लोडगंज, बीर बिलिंग, हिमाचल, मणिकरण, ये डलहौजी वाले इलाकों में ना बहुत ज़्यादा जाया जाता है क्योंकि एक प्राइवेट लाइफ भी होती है ना, आपके लाइफ में कुछ लोग होते हैं, कुछ अपने करीबी जो आपको बोलते हैं खुद इतना अकेले अकेले घूम लेते हो हमको भी लेके चलो, तो उस टाइम पे लेके जाना पड़ता है, तो वो थोड़ी सी प्राइवेट लाइफ भी रखना ज़रूरी है यार, थोड़ा सा ना ऐसे डिफ्रेंशिएट आना चाहिए इंसान को करना। सोशल मीडिया पे है तो ठीक है बट लोगों को लगता है कि हर एक चीज़ दिखा देनी चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ जितनी आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना वो जितनी ज़्यादा प्राइवेट रहेगी उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, उतना ही आप लोग थोड़ा पीस ऑफ माइंड में रहोगे। गाड़ी वाले प्लान्स हमारे हैं, एक्सयूवी 300 के प्लान्स हमारे हैं, कोको आपने देखा होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो ट्रैवल ब्लॉग जो है ना हमारे जितने भी हमारे अभी काशी वाराणसी वाले ब्लॉग्स रहे हैं आपने देखा होगा, इनमें व्यूज जो है 100-200 मतलब 70-80,000 सब्सक्राइबर है और व्यूज कैसे एकदम से डाउन चले गए। डोमिनार 400 के ब्लॉग्स आप देख लो, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 तक जो है उसके व्यूज गए हुए हैं, बट एक्सपल्स 200 के ऐसा ऐसा डाउन हुए और जो ट्रैवल वाले ब्लॉग्स हैं वो एकदम से डाउन हो गए, बिकॉज मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए था, मैं काफ़ी टाइम से एक साल से कंटिन्यूअसली ना ब्लॉगिंग कर रहा था तो अपने लिए जो टाइम रहता वो मिला नहीं, इसलिए हम लोग काशी चले गए, वहाँ पे मैं ब्लॉग बनाना भी नहीं चाहता था बट समहाउ ठीक है आए हुए तो हल्का फुल्का हमने कैप्चर कर लिया और बना लिया, नहीं तो मैं अलग जोन में चला जाता हूँ जब मैं ट्रैवल करता हूँ। चैनल हमारे का जो सेगमेंट है वो हमने ज़्यादातर डोमिनार ही किया हुआ है, तो ज़्यादातर जो जनता है जो हमारी ऑडियंस है वो डोमिनार से रिलेटेड ही है, तो मैं ये चीज़ दिखाना चाहता था कि 100K जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद कोको मैं इसलिए बार बार बीच में ब्लॉग में एंड इंस्टा पे स्टोरीज पे शो करी जा रहा हूँ, बिकॉज जब हमारे 100K कंप्लीट हो जाएंगे ना डोमिनार 400 तो रहेगा ही रहेगा बट ट्रैवल आ जाएगा, राइड्स तो रहेंगी, ट्रैवल राइड्स विद ट्रैवल दैट मीन्स एक्सप्लोरिंग वाला पार्ट विद कोको, और उसके बाद जून जुलाई तक हम लोग जो है एक्सयूवी को वापस ले आएंगे, उस टाइम पे होपफुली हमारा बजट जो है वो हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे क्योंकि गाड़ी लेना अलग बात है और गाड़ी लेके उसको मेंटेन करके उसको चलाना अलग बात है। अब जॉब वगैरह थोड़ा सा हमने कम कर दिया, पार्ट टाइम एक हल्की फुल्की जॉब कर रहे हैं ताकि EMIs वगैरह निकल जाए छोटी मोटी जो भी हैं, फुल टाइम जॉब मैं अब नहीं कर रहा, फुल टाइम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लॉगिंग की तरफ चला जाऊँ। 100K कंप्लीट होने के बाद आपको इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे, हमारे मोटो ब्लॉग्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे, विद ट्रैवल विद डॉग बहुत सारी चीज़ें एंड विद एक्सयूवी भी होपफुली जून टू जुलाई में आ जाएगा, मतलब चलता फिरता घर लेके चलेंगे हम लोग गाड़ी के अंदर, समझ रहे हो, अगर मैं बाइक पे इतना सारा सामान लेके घूम सकता हूँ सोचो जब गाड़ी आ जाएगी, इतनी ज़्यादा स्पेस आ जाएगी, क्या कुछ करेंगे। मैं क्रेटा चली गई है सो इस रोड पे आए हैं तो हाई स्पीड तो नहीं करेंगे बट 150 को टच करना ही है यार, बहुत टाइम हो गया 150 टच किए हुए। क्या ट्रैफिक हो रखा है, 150 का आई गेस 160 चला गया होगा, मैंने मीटर की तरफ देखा ही नहीं इस बार। अरे यार क्यों हैं ये लोग, क्या बोलूं मैं, मतलब क्या ही बोलूं मैं, अब क्या शब्द यूज करूं उनके लिए, मर गया मैं रिक्वेस्ट कर करके कि रॉन्ग साइड मत जाया करो। फिर रिक्वेस्ट के बाद दूसरी चीज़ होती है, जिस दिन हमारा किसी दिन कुछ हो गया तो भाई साहब याद रखना आपकी अपनी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दबा। अब तो मैं नंबर मेंशन करूंगा इनका, 1641 JK21641 पैशन, और ये बंदा 100% जतवाल का ही होगा। सुधर जाओ यार सुधर जाओ, इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, ये देखो 6480 मत चला करो रॉन्ग साइड।
लेकिन जनता जो है ना, जनता सुनती नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट पे ना, ये देखो ये रॉन्ग साइड गाड़ी आ रही है, उसके पीछे एक और आ रही है, आ रही आ रही आ रही है, आ रही है। इस पॉइंट पे अगर मैं 5 मिनट के लिए खड़ा हो जाऊँ ना, मैं आपको 100+ व्हीकल्स दिखा दूँ जो कि रॉन्ग साइड आएंगी। ये देखो वो एक और गाड़ी आ रही है। कोई पूछे क्यों आ रही है, क्या वजह है, जस्ट बिकॉज ऑफ आगे डिवाइडर जो है वो 500 मीटर आ गया है, तो लोग बोलते हैं नहीं जी पेट्रोल ज़्यादा लग जाएगा, वहाँ से कौन नहीं जाएगा। ये देखो HR26Z0834 एक्सीडेंट का घर है मैन, ये लोग एक्सीडेंट का घर है। ये लोग जाम लग गया पीछे यार, पीछे जाम लग गया है। देखो कब सुधरेंगे लोग, कब सुधरेंगे लोग, मरते हैं कितने लोग, मर जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। ठीक है तुम्हारा तो तुम्हारी गलती की वजह से होता है, जिस बेचारे का कोई कसूर ही नहीं है उसका क्या कसूर है। मतलब अब दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम लोग पुराने वाले तरीके से लोगों को समझाना शुरू कर दें, क्योंकि ये वाली जो अवेयरनेस है इससे खास कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, होपफुली एक ना एक दिन पड़ जाए,